अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं इंजीनियर हबीब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल बॉल। जैसा कि आपको पता है कि हम इसके ऊपर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को भी रिव्यू करते हैं, तो आज जो प्रोडक्ट मेरे पास अवेलेबल है ये बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग प्रोडक्ट है। मेरे अपने ऑनलाइन स्टोर electricalwall.com के ऊपर इनकी बहुत ज़्यादा सेल रहती है, लेकिन अक्सर लोगों की ये डिमांड होती थी कि सर बिजली के झटके घरों में आते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स जल जाती है, तो हमें वोल्टेज प्रोटेक्टर कौन सा लेना है। तो मैं उन्हें रिकमेंड करता हूँ बेस्ट वन क्वालिटी। और लेकिन सेकेंड क्वेश्चन ये आ जाता है कि क्या आप इस पर वारंटी ऑफर करेंगे। व्यूवर्स, इस वक्त पाकिस्तान में NIN इलेक्ट्रिक यानी कि निन इलेक्ट्रिक ने वोल्टेज प्रोटेक्टर्स को लॉन्च किया है, मेड इन चाइना है, लेकिन मज़े की बात क्या है कि क्वालिटी बहुत ही बेस्ट है। और क्वालिटी बेस्ट होने का सबूत ये है कि ये हमें पाकिस्तान में 2 साल की लोकल वारंटी पे मिलते हैं, यानी कि 2 साल के अंदर आपके प्रोडक्ट में कोई भी मसला आ जाता है, ख़राब हो जाता है, तब आपको न्यू प्रोडक्ट दे दिया जाएगा। लेकिन जैसा कि हर एक प्रोडक्ट के ऊपर टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई होती हैं, तो इन प्रोडक्ट्स के ऊपर भी टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई हैं, यानी कि पानी के आने की वजह से जल जाए, ओवरलोड कर रहे हैं, वो सर्टन जो इलेक्ट्रॉनिक्स की टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं वो इसके ऊपर भी अप्लाई होती हैं। बट व्यूवर्स, निन इलेक्ट्रिक के जो प्रोटेक्टर्स हैं इसकी एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन पाकिस्तान में AT इलेक्ट्रिकल्स के पास है, और ये आपको प्रोवाइड करेंगे AT इलेक्ट्रिकल्स। बाकी ईजी वे परचेज करने का क्या है कि आपने 1, 2, 3 या बल्क क्वान्टिटी में परचेज करना चाहते हैं तो electricalwall.com के ऊपर जाएँ, जाके इस प्रोडक्ट के लिए ऑर्डर को प्लेस करें। ये प्रोडक्ट कैश ऑन डिलीवरी की फैसिलिटी पे हम आपको डिस्पैच कर देंगे। अगर आप घरों में लगाना चाहते हैं तो घरों के लिए वोल्टेज प्रोटेक्टर यानी कि सिंगल फेज में अवेलेबल हैं। इसी के साथ ही 3 फेज यानी कि अगर आपकी अप्लायंसेस 3 फेज पर चलती हैं तो उसके लिए भी हैं। और अगर आप इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं कि आपने जो सी अप्लायंसेस रन कर रही हैं वो कितनी बिजली इस्तेमाल कर रही हैं, यानी कि वो कितनी पावर ले रही हैं और महीने के बाद बिल कितना आएगा, तो आपको उसका प्रोटेक्टर भी देखने को मिल जाता है, यानी कि आपको किलोवाट आवर जिसको हम यूनिट्स आम जुबान में कहते हैं, आपको यूनिट्स की इंफॉर्मेशन भी मिलेगी, यानी कि 2-in-1, 3-in-1 और 3 फेज प्रोटेक्टर तीनों ही आज मेरे डिस्प्ले पे अवेलेबल हैं। तो जल्दी से करते हैं इनकी अनबॉक्सिंग और जानते हैं कि इनकी क्वालिटी कैसी है और क्या 2 साल की वारंटी जस्टिफाई करती है इसकी बिल्ड क्वालिटी। चलते हैं जी अनबॉक्सिंग। अनबॉक्स करती है, आप देख सकते हैं कि ये है हमारे पास वोल्ट और एम्पेयर प्रोटेक्टर। इसमें NIN रजिस्टर ब्रांड की लेबलिंग भी हुई हुई है, ऊपर वोल्टेजेस आ रहे हैं, नीचे एम्पेयर आ रहे हैं। पावर ऑफ का बटन, सेटिंग का बटन, अप एंड डाउन का बटन। इसी तरीके से हम 3-in-1 को भी देख लेते हैं। 3-in-1 में वोल्ट एम्पेयर आ रही है। अगर आप महीने के बाद इसको रीसेट करना चाहते हैं अपने यूनिट्स को, तो इसमें आप रीसेट भी कर सकते हैं। और फाइनली 3 फेज प्रोटेक्टर जो है इसको भी टर्न ऑन करके देखेंगे और इसकी भी वर्किंग को हम चेक कर लेंगे। 2-in-1 है, इसमें वोल्ट और एम्पेयर है, जबकि 3-in-1 जो है इसके अंदर वोल्ट, एम्पेयर और एक एडिशनल फीचर है जो कि है किलोवाट आवर्स, यानी कि आपको ये भी पता चलेगा कि कितने यूनिट्स कंज्यूम हुए हैं। इस वक्त मैंने इसके साथ लोड को कनेक्ट किया है, आपको ये ऊपर येलो लाइट नज़र आ रही होगी। इसके साथ मैंने इनकैंडिसेंट बल्ब को लगाया हुआ है जो इस वक्त 1.2 एम्पेयर्स ले रहे हैं और 216 वोल्ट आ रहे हैं। तो व्यूअर्स, डिस्प्ले के ऊपर वोल्ट, एम्पेयर और यहां पर नंबर ऑफ यूनिट्स आएंगे। लाइट के बटन को आपने प्रेस रखना है, तकरीबन 3 से 5 सेकंड के लिए आप इसे प्रेस करेंगे। अप की सेटिंग है 280 वोल्ट, इसको आप 280 पे रहने दें। जस्ट टेस्टिंग करने के लिए मैं इसको नीचे ले आता हूँ 230 पे। फिर नेक्स्ट के बटन को प्रेस किया, अंडर वोल्टेज 160 है, मिनिमम आप इसको लेके आ सकते हैं 140 के ऊपर, या ऑफ करना चाहें तो आप इसे ऑफ भी कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने लो वोल्टेज ऑफ करना चाहूँ तो मैं इसे ऑफ भी कर दूंगा, इसको मैंने 140 पे कर दिया। इसके बाद EL है, रिकवरी डिलेड टाइम, कि कितनी देर इंतजार करे और उसके बाद दोबारा से कनेक्ट करे, तो 5 सेकंड है, इसको 5 सेकंड ही रहने देते हैं। PC आपको बताता है कि कितनी करंट अलाउ करनी है, 1 से लेके 63 एम्पेयर्स है, तो अभी फिलहाल करंट टेस्टिंग नहीं करते, अभी मैं वोल्टेज टेस्टिंग कर रहा हूँ। और देन CC, कॉन्टिन्यूस ओवर करंट प्रोटेक्शन टाइम, यानी कि कितनी बार ये ओवर करंट डिटेक्ट करे तो आपके लोड को ऑफ कर दे, इसको मैंने ऑफ ही रहने दिया। और इसके बाद अगर हम इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे 5 सेकंड के लिए, तो ये सारी सेटिंग्स को इसके अंदर सेव कर लेगा। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं इस वक्त 216 वोल्ट है, इसको मैं इंक्रीज करता हूँ और 243 पे लेके गया, तो आप देख सकते हैं ये ब्लिंक करना शुरू हो गया है और ओवर वोल्टेज की सिचुएशन है, लोड हमारा ऑफ हो चुका है। अब अंडर वोल्टेज को चेक कर लेते हैं, इस वक्त 198 वोल्ट है, वोल्टेज आगे 103 के ऊपर, और आप देख सकते हैं लोड ऑफ हो चुका है। वोल्टेज को वापस लेके आते हैं,
178 वोल्ट हैं और डिले टाइम के बाद ये हमारे लोड को दोबारा से कनेक्ट कर देगा। ओवर करंट के लिए आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमारे पास यहाँ पर रनिंग करंट 1.2 एम्पीयर्स का जा रहा है। मैं इस पे सेट कर देता हूँ करंट प्रोटेक्शन 1 एम्पीयर की, तो 1 एम्पीयर से जैसे ज़्यादा जाएगा ये इसे डिसकनेक्ट कर देना चाहिए। सेट के बटन को प्रेस रखा, पीसी 63 एम्पीयर है, इसको मैं ले आया 1 एम्पीयर के ऊपर और अगेन सेट को प्रेस रखा। व्यूअर्स देख सकते हैं लोड ऑन है, 1.2 एम्पीयर जा रहे थे, इसने लोड को ऑफ कर दिया। इसी तरीके से 5 सेकंड बाद दोबारा चेक करेगा, अगर लोड में कोई कमी आई हुई तो रिकनेक्ट कर देगा, नहीं तो फिर ये ऑटोमेटिकली दोबारा ऑफ कर देगा। इस तरीके से ये हमें करंट की प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रहा है। तो व्यूअर्स ये तो हमने टेस्टिंग कर ली है, अब बारी है थ्री फेज प्रोटेक्टर को भी टेस्ट करने की। वो जस्ट मैं आपको टर्न ऑन करके दिखाता हूँ कि कैसे ये हमें आउटपुट शो करेगा। किसके अंदर फेज सीक्वेंस प्रोटेक्शन भी है, यानी अगर आपने गलत फेज कनेक्ट कर दी है, L1, L2, L3 सही तरीके से कनेक्ट नहीं किया, तो ये पावर ऑन नहीं होगा। इसी के साथ ही व्यूवर्स पावर ऑन और पावर ऑफ करने के लिए सेम उसी तरीके से ये पावर का बटन इस्तेमाल किया जाएगा। अप एंड डाउन है, ऊपर वोल्टेजेस आ रहे हैं और ये फेज़ टू न्यूट्रल के वोल्टेजेस हैं, यानी फेज़ टू न्यूट्रल के 213 वोल्ट, 193 वोल्ट, 199 वोल्ट। सेटिंग में जाने के लिए आपने सेट को प्रेस करना है। P1 की सेटिंग आपको बताएगी कि पावर ऑन डिले टाइम कितना आप डिले इसमें शामिल कर सकते हैं, साथ ही आपको डिटेल सारी पता चल रही है कि इसमें डिले की वैल्यू कितनी है 1 से लेकर 5। तो व्यूअर्स उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आपने जान लिया होगा वोल्टेज प्रोटेक्टर 2-in-1, 3-in-1 और 3-फेज प्रोटेक्टर की मुकम्मल डिटेल्स। अगर तो वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और परचेज करने में देर ना करें, जल्दी से विजिट करें electricalwall.com को, अभी डिस्काउंटेड प्राइस चल रही है तो जल्दी से ऑर्डर को प्लेस करें और ये प्रोडक्ट मैं आपको डिस्पैच करवा दूंगा। कैश ऑन डिलीवरी की फैसिलिटी अवेलेबल है, बेफिक्र होकर ऑर्डर प्लेस किया जा सकता है। आपने मुझे इलेक्ट्रिकल वॉल की टीम को अपनी दुआओं में याद रखना है। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।